क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुआ था 16 सितंबर 2022 को, तो वहां पर सरकार की दलील यही थी कि सारा काम खत्म हो गया है, अब कैबिनेट का अप्रूवल बचा हुआ है। और साथ ही साथ सरकार को यह भी बताया था कि अगले आने वाले 3 महीने के अंदर जो वन रैंक वन पेंशन 2 का सारा एरियर रिलीज कर दिया जाए। तो खूब संभव है कि सरकार को लताड़ भी लगाए, क्योंकि सरकार ने सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल के लिए ही। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, क्या आपने इस नाम को कभी सुना है? यह एक ऐसा नाम है जो हम सारे डिफेंस पेंशनर्स का आशाओं और सपनों के साथ जुड़ा हुआ एक नाम है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने आज आसन ग्रहण करते हुए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लिया है, जो कि अगले 10 नवंबर 2024 तक यानी कि 2 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। तो आज मैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि जिनको हम DY चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, उनके बारे में क्यों बोल रहा हूं, उनके बारे में जानकारी आप सबको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हम सारे डिफेंस पेंशनर्स के साथ इस नाम का आज जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका बहुत बड़ा एक नाता है, हमारी आशाओं और सपनों के साथ जुड़ा हुआ ये नाम है। तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सब ने सैनिक पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब से मेरा आग्रह है दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज 50वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण करते हुए जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, जो अगले 2 साल तक रहेंगे। आप सबको पता होगा दोस्तों, 16 मार्च 2022 को वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सुनवाई का जजमेंट आया था, और ये पूरा जो सुनवाई वन रैंक वन पेंशन का पूरा जो सुनवाई 2016 से जो केस चला था, शुरू से लेकर अंत तक का सुनवाई करने वाले जो न्यायाधीश थे, जो न्यायमूर्ति थे, वो थे DY चंद्रचूड़। और साथ ही साथ 16 सितंबर 2022 को जो सरकार को 15 दिसंबर तक का समय दिया था, उसमें भी जो जजमेंट देने वाले जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो न्यायाधीश थे वो थे DY चंद्रचूड़। और यही न्यायमूर्ति, यही जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल चुके हैं दोस्तों। तो इस घटनाक्रम के बाद जो उन्होंने समय दिया है 15 दिसंबर 2022 तक सरकार को, तो क्या सरकार दोबारा से उनके पास जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगी? क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुआ था 16 सितंबर 2022 को, तो वहां पर सरकार की दलील यही थी कि सारा काम खत्म हो गया है, अब कैबिनेट का अप्रूवल बचा हुआ है, तो कैबिनेट का अप्रूवल के लिए और बाकी के जो बचे कुचे काम है उसको खत्म करने के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए, और वो समय जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने उनको दे दिया था। तो आज चूंकि वही जज, वही माननीय न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, तो इसीलिए आप सबको यह जानकारी रखना जरूरी है कि इन्हीं न्यायमूर्ति ने हमारा पूरा वन रैंक वन पेंशन की सुनवाई की थी, उसमें जजमेंट दिया था। हालांकि उन्होंने ये बोला था कि सरकार ने जो वन रैंक वन पेंशन दिया था उसमें कोई कानूनी खामी नहीं है, कोई कानूनी तौर पर उसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए जो जजमेंट, जो वन रैंक वन पेंशन सरकार ने दिया वही सही है। और साथ ही साथ सरकार को यह भी बताया था कि अगले आने वाले 3 महीने के अंदर जो वन रैंक वन पेंशन 2 का सारा एरियर रिलीज कर दिया जाए, जबकि आप उसके बाद आप सबको पता है फिर टाइम एक्सटेंशन हुआ, आगे फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और डेट जो है 15 दिसंबर तक बढ़ गया, और ये बढ़ाने में जो जो जजमेंट आया था उस जजमेंट को देने वाले भी न्यायमूर्ति यही साहब थे, तो अब ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो खूब संभव है अब सरकार, उनके पास दोबारा जाने का रास्ता सरकार के पास शायद ना हो, क्योंकि सरकार ने पिछली बार यही बोला था कि 15 दिसंबर तक हमें समय इसलिए चाहिए कि हमें कैबिनेट का अप्रूवल लेना है। तो अभी तक तो सितंबर 16 से लेकर अभी तक कैबिनेट की बहुत सारी बैठकें हो गई, और आने आने आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारी बैठकें होंगी, तो बहुत ज्यादा ये संभव है कि इन बैठकों को अंदर ही कैबिनेट का अप्रूवल हो जाए, और आगे 15 दिसंबर तक सरकार को दोबारा से वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना ना पड़े, क्योंकि अगर जाएंगे तो यही न्यायमूर्ति रहेंगे। तो खूब संभव है कि सरकार को लताड़ भी लगाएं, क्योंकि सरकार ने सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल के लिए ही 16 दिसंबर 16 15 दिसंबर 2022 तक का समय मांगा है। तो दोस्तों,
क्योंकि वही जज साहब थे जो कि जिन्होंने हमारे वन रिंग वन पेंशन की सुनवाई की थी, इसलिए आज जब वो इतने बड़े आसन पर पदाधीन हो गए हैं, इतने बड़े जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, तो मुझे लगा कि आप सबको ये जानकारी दे दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी बने हैं, जिन्होंने हमारा वन रैंक वन पेंशन की सुनवाई की थी। तो इस वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।